Anyway, nevertheless, let us continue with our own exercise of titration. तो उनका बोर्ड एग्जाम आप करा रहे हो? उनका कॉलेज एग्जाम आप करा रहे हो 11th वाला? Resume record. See, strong acid, strong base का जब हम titration कर रहे हैं, तो flask के अंदर में या तो हमारे पास कंप्लीटली एसिडिक सॉल्यूशन रह रहा है या फिर कंप्लीटली बेसिक सॉल्यूशन रह रहा है, ठीक है? यानी यहाँ पर जो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है मेरी, दैट इज फॉर आइदर डिसोसिएशन ऑफ एसिड और फॉर डिसोसिएशन ऑफ बेस, एंड दैट टू स्ट्रॉन्ग इन ईच केस, ठीक है? बाकी और कोई डोमेन नहीं आ रहा है इसके अंदर. नाउ वी आर कमिंग इन टू वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. इसमें क्या होता है कि एसिड डिसोसिएशन जब प्योर फॉर्म में है तब तो रहेगा, ठीक है? जैसे ही हमारा थोड़ा सा भी बेस हमने डाल दिया ना, तो कैलकुलेशन जो होते हैं हमारे वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट दैट इज कटायन ऑफ द एसिड, सॉरी अनायन ऑफ द एसिड, ठीक है? और ये अनायन ऑफ द वीक एसिड जो है वो हाइड्रोलाइजेबल होता है, ठीक है? तो ये क्या फॉर्म करेगा, इमीडिएटली जैसे ही पहला बूंद आपने डाला बेस का, उसके इमीडिएटली बाद आपके पास एक बफर टेंडेंसी जनरेट हो जाएगी. सो एक बफर सिस्टम हमारा ओवरऑल क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट बफर विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. बफर विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हुआ, अनायन का क्वांटिटी जो है हमारे सिस्टम में, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी फर्दर एडिशन ऑफ द बेस, ठीक है? तो एकदम इनिशियल में यहां पर इट विल बी जस्ट डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, वेयर एज इसके बाद से, इमीडिएटली बाद से आगे की कहानी जो होगी मेरी पूरी, दैट विल बी गाइडेड बाय बफर का रिलेशनशिप, ठीक है? और जब इक्विवेलेंट पॉइंट हमारा आ जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद क्या होगा, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद ओनली अनायन ऑफ द वीक एसिड विल बी देयर विच इज हाइड्रोलाइजेबल, ठीक है? एंड उसकी वजह से सब OH माइनस विल कम इनटू पिक्चर. ऑन टॉप ऑफ दैट देयर विल बी स्ट्रॉन्ग बेस जिसका अपना इंडिपेंडेंट OH माइनस सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट हो जाएगा. सो बेसिकली हमारे पास एनालिटिकल इक्वेशन जो रहेंगे वो कुछ इस तरह का रहेगा, A माइनस प्लस H2O गिविंग अस HA प्लस OH माइनस विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ KW बाई KA, ठीक है? और दूसरा रहेगा हमारा BOH द स्ट्रॉन्ग बेस विथ डिसोसिएशन एज B प्लस एंड OH माइनस फुल्ली डिसोसिएबल. अब इसकी क्वांटिटी हमेशा डोमिनेंट रहेगी इसके कंपैरिजन में, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हुआ तो दिस विल बिकम डोमिनेंट फुल्ली डिसोसिएबल होने की वजह से. ये चीज बहुत छोटा वैल्यू देता है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू काफी छोटी रहती है, क्योंकि ये चीज काफी छोटा है. मेक सेंस? तो दिस विल बी डोमिनेंट, तो ये दोनों कॉमन आयन होने की वजह से इट विल बी दिस विच विल बी टेकन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है? अब जैसे ही इसका कंसेंट्रेशन आप OH माइनस का कंसेंट्रेशन आप ये वाला कंसेंट्रेशन लेते हो, तो इसकी हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हम डोमिनेंस में आते हैं, इसके डोमिनेंस में आते हैं, इमीडिएटली इसका ये जो है डिसोसिएशन वो सप्रेस हो, या हाइड्रोलिसिस जो है उसकी वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है? एंड देयर आफ्टर द मेन कंट्रीब्यूटर्स बिकम्स ओनली दिस, ठीक है? अब जितना बढ़ाते जाएंगे उस तरह से जा करके अगेन स्ट्रॉन्ग बेस वाला जिस तरह का ग्राफ था वही ग्राफ को अटेन कर लेगा.
with every extra drops of base, वो वही वाला ग्राफ अटेन करेगा जो स्ट्रॉन्ग बेस ग्राफ अटेन कर रहा था। ये बात क्लियर है सारे लोगों को? आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ अबव द इक्विवेलेंट पॉइंट। बिलो इक्विवेलेंट पॉइंट के बारे में जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया कि इट विल बी बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस प्लस डिसोसिएशन ऑफ एसिड। ये एक्सप्लेन वापस करूं। देखिए इक्विवेलेंट पॉइंट पर एक बार अगर आप आ गए तो वीक एसिड पूरा खत्म हो गया सिस्टम से आपका। हाँ। वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने अनायन में। अनायन की एक्टिविटी क्या होती है? वो हाइड्रोलाइज होकर के OH माइनस प्रोड्यूस करेगा विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू दिस। अब इक्विवेलेंट पॉइंट से अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आपने बेस डाला, ये स्ट्रॉन्ग वाला बेस BOH, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? पूरा का पूरा डिसोसिएट करके OH माइनस प्रोड्यूस कर देगा। और ये OH माइनस की क्वांटिटी जो होएगी दैट इज गोइंग टू बी मच ग्रेटर देन दिस वन। सो दिस विल बिकम द डोमिनेंट स्पीसीज। और ये डोमिनेंट होने की वजह से एंड चूंकि कॉमन आयन है तो यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम है ऊपर वाला मेरा, इसमें यहां से जो नंबर आएगा हमारा वही इसका भी नंबर हो जाएगा, एक बड़ा नंबर। अब ये बड़ा नंबर होने का साइड इफेक्ट क्या है कि हाइड्रोलिसिस जो है ए माइनस की वो सप्रेस हो जाएगी, यानी ये बिल्कुल ही रिडंडेंट हो जाएगा ये इक्वेशन का OH माइनस कंट्रीब्यूशन। ठीक है। एंड अब OH माइनस का कंट्रीब्यूशन जो है या OH माइनस की क्वांटिटी जो है या POH एंड देयरफॉर PH दैट विल बी गाइडेड ओनली बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। ये कितना प्रेजेंट है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, राइट, फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। ये बात समझ में आ गई? और चूंकि ऐसा हम लोग क्वांटिटेटिवली देख पा रहे हैं, मैं बता रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि मेरा जो ये वाला ग्राफ था, कहां गया ये वाला ग्राफ, इसमें जो ये ऊपर का जोन आया हुआ है यही जोन मैं वहां पे कॉपी पेस्ट कर दूं इक्विवेलेंट पॉइंट के ऊपर, will it be a bad idea? Right ना? कर सकता हूं ना देश पांडे? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं अभी डाउट नहीं, पहले ये वाला खत्म कर दे। ठीक है, अब डाउट पूछो। नहीं नहीं फिर से बोलो। क्या क्या किससे इंडिपेंडेंट होगा? हाइड्रोलिसिस से, क्योंकि इसके हाइड्रो एक तो इसका सप्रेस हो गया है जितना हो सकता था, एबिलिटी थी इसकी प्रोड्यूस करने से उसकी, उससे कम कर रहा है तो इसका क्वांटिटी बहुत कम हो गया, इसके थ्रू प्रोड्यूस OH माइनस जो है वो डोमिनेंट हो गया, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, यानी इट विल बी डायरेक्टली गाइडेड बाय द वेरिएशन ऑफ OH माइनस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम BOH। ठीक है ना? वेरी गुड। अब हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट के नीचे का एनालिसिस करते हैं। नीचे की एनालिसिस में क्या है, एकदम शुरू में वीक एसिड का डिसोसिएशन, और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इट विल बी अ बफर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और बफर में क्या होगा, द वेरिएशन ऑफ पीएच इज गोइंग टू बी, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ और अ स्ट्रेट लाइन, राइट, इट विल बी अ कर्व लाइन। ठीक है ना, कोई इशू इस चीज में? तो अल्टीमेटली ग्राफ हैपेंस टू बी और ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस।
देखिए एक तो यहां से ये थोड़ा ऊपर से चालू होता है, ठीक है, डिसोसिएशन कम होने की वजह से, और यहां पर लिख लेते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन द फ्लास्क एंड वॉल्यूम ऑफ strong base that is titran added एंड यहाँ पे सेवन लाइन जो है हमारा वो कुछ इस तरह का रहेगा, एकदम न्यूट्रल पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच इज गोइंग टू बी इन बेसिक जोन बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी, ठीक है ना। सो पीएच ऑफ द सिस्टम विल बी इन बेसिक जोन, यानी सेवन के ऊपर होगा बाय डिफॉल्ट, राइट। एंड उसके बाद ऊपर में जाकर के ये कंसिस्टेंट हो जाएगा एज पर दिस। एंड यस, ये वाला जोन जो होगा ये कैसा होगा, दिस जोन विल बी प्रिडिक्टेड बाय बफर जोन और बफर इक्वेशन, ठीक है। यहां पर dissociation of weak acid AC बंद कर दे क्या, अब हम लोग इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक,
बोलिए सर, वो टाइट ट्रायंगल होगा। कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस टाइट ट्रायंगल। हाँ अरे यार, टाइट ट्रायंगल और एनालिट। तो वो ऊपर से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। कैसा होगा? ऊपर से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। ऊपर से स्टार्ट होएगा, क्यों नीचे 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 आएगा? बताइए पीएच कहाँ रहेगा, सॉरी इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच कहाँ रहेगा? सेवन के नीचे का मतलब क्या है? एसिडिक। सेवन के ऊपर ठीक है, बेसिक ही रहेगा क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पर स्पीसीज क्या है? ओएच माइनस पूरा खत्म, सिर्फ ए माइनस है और ए माइनस के हाइड्रोलिसिस से हमेशा आपको बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना? तो पीएच हमारा कहीं कहीं यहां पर रहेगा और इसके नीचे ये सेवन की वैल्यू रहेगी, ठीक है? अब यहां से जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा? ठीक है, इस तरह का। अब जैसे ही आप इक्विवेलेंस पॉइंट को क्रॉस करते हो, ठीक है ना, आपका वेरिएशन ऑफ पीएच क्या हो जाता है? स्टीपर नहीं रह जाता है, राइट? स्टीपर नहीं रह जाता है, बहुत स्लो चेंज करता है, एंड दैट हैज अ बिग ड्रॉबैक। ठीक है, क्या ड्रॉबैक है? कोई भी आप अगर अपना और ये डालते हो, आप कोई भी इंडिकेटर डालते हो
So it will be difficult for that indicator to gauge the equivalence point. ठीक है, equivalence point basic medium का है, वहां basic medium से neutral तक आने में भी इसको it will take much more time मतलब much more quantity of titrant acid. That means it is always going to be prone to give you much more error about, yani end point जब तक आपको वो बताएगा कि खत्म हो गया है reaction, तब तक आपने काफी ज्यादा amount of weak acid को already add कर दिया हो. Is that okay? And therefore, this category of titration is never performed. It is never performed. ठीक है? इंडिकेटर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, एक्सटर्नल इंडिकेटर के लिए ये कंडीशन हम ध्यान रखेंगे जो आगे भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा या इन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स के अंदर में इसको हम फिर से एक बार हाईलाइट करेंगे या नोट करेंगे. वी यूज इंडिकेटर्स जो इक्विवेलेंस पॉइंट के इमीडिएटली बाद एंड पॉइंट को इंडिकेट करें, और जिन सिनेरियोस में हमारे इंडिकेटर इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं because of the faulty nature of analyt and titrant picked, तो वहां पर कोई भी इंडिकेटर आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा. ठीक है, and it is one such scenario. ठीक है, similar scenario is going to happen when we are going to try doing this thing. What should I say? Titration of strong acid versus weak base. ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड किया, और स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस भी जब करना चालू करेंगे, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड विल डू गुड. ठीक है, क्योंकि वहां पर भी इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद का चेंज जो होगा वो शार्प होगा विद जस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ये एडेड HA, यू विल हैव शार्प चेंज ऑफ pH. And therefore, that can be calibrated under any suitable or some suitable indicator, while the reverse will not be calibrated easily. ठीक है? तो ये दोनों जो होते हैं titrations, they are never performed. Clear है? Very good. देश पांडे समझ में आया? हाँ सर. प्रणॉय? प्रणॉय this titration is never formed. As its end point cannot be indicated, or its end point will be indicated very far from equivalent point. Even with most efficient indicator. Okay, चौथा पांच तीसरा चौथा हो गया, पांचवे पर आते हैं हम लोग. नोट कर लो ये.
तब तक मैं पांचवे वाले की पृष्ठभूमि तैयार करता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया मेरा एनालेट और टाइट्रान नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन फ्लास्क टाइट्रान एसिडिक में इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और ये रहेगा मेरे ब्यूरेट में। ठीक है, कैसा दिखेगा ग्राफ इसका? स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH of solution in flask volume of weak base that is titrant added स्ट्रॉन्ग है तो इसको नीचे से चालू कर लेते हैं। कुछ ऐसे जाएगा, उसके बाद ये चेंज होएगा इस तरीके से। यहां पर इसका कहीं पर तो इक्विवेलेंस पॉइंट रहेगा और सेवन जो है सेवन का लेवल कहीं यहां रहेगा। ठीक है, अगेन दिस इज अगेन नॉट सुटेबल। ठीक है, नॉट सुटेबल टू कंडक्ट कैलकुलेशन। इसका रिवर्स कंडीशन जो होगा वो सुटेबल होगा। सिक्स्थ वन, weak base versus strong acid, क्या बोल रहे हो? This is enolate or titrant non-standard solution in flask titrant standard
solution in burette. The graph is going to look like pH of solution in flask. pH is equal to 7 line मान लेते हैं, ये है volume of straw. Acid that is titrant added. कैसा दिखेगा ये? It will start from somewhere over here. ठीक है, ठीक है. पीएच कहाँ रहेगा इसका? एसिडिक ओवर हियर. नाउ यहां पर आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट हम इजीली गेज कर सकते हैं. दिस इज समथिंग विच वी कैन कंडक्ट इजीली. ठीक है, और ये क्या रहेगा? इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी बिलो 7. वीक एसिड वर्सेस वीक बेस क्या होगा, कैसा दिखेगा? हाँ, रिएक्ट नहीं करेगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे रहेगा. वेरी गुड. हाँ, तो रिएक्ट नहीं करते ना वो लोग. परफेक्ट है. हाँ, क्या बोल रहे हो? रिएक्ट नहीं करते वीक एसिड एंड वीक बेस ना. नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है वो एक्चुअली इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है. गुड. हाँ, गुड गुड, कुछ तो याद रखे हो. आई एम हैप्पी. मैं सर, मुझे बोला. हाँ, मुझे बोला. हाँ, तुमको भी बोला, अथर्व सामंत को भी बोला, क्योंकि उसने भी बोला यही चीज. ओके, ठीक है. इसी टाइप का रिलेशनशिप चाहिए मुझे हर बार. अबे हर बार इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिले. रिलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हाँ, आइडेंटिफाइंग द मिसिंग थिंग्स. पुरानी जो चीजें पड़ी हुई है वो अचानक से तुमको याद आए, कोरिलेट करके आंसर करो. दैट इज व्हाट आई वांट. वो इंड्यूस हो गया तो मैं खुश हूं. ठीक है, एज अ टीचर. गुड. ग्राफ ड्रॉ कर लिया था हम लोगों ने ना? सर एक सेकंड खाली, वो थोड़ा. हाँ सर, हो गया. ठीक,
अब यहाँ पे बाकी राम कहानी नहीं लिख रहा हूँ, वैसे भी फालतू ही है, जस्ट प्लेन ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूँ। पीएच वॉल्यूम ऑफ वीक बेस डायग्राम एडेड फ्लास्क में वीक एसिड रहेगा, इसका न्यूट्रलिटी पॉइंट जो होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, ऑलमोस्ट 7 के आसपास ही रहता है, नियर अबाउट 7। अब उसमें ये रहता है कि अगेन ये बफर बना रहा है या न्यूट्रल सॉल्ट्स बना रहा है, ठीक है। तो अगर एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हुआ तो एसिडिक, अदरवाइज बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ तो बेसिक, उस रेंज में। बट इट विल होवर अराउंड pH is मतलब equivalence point will hover around pH is equal to 7, यहीं पे लाइक करेगा, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, इतना मोटा भी नहीं, इतने मोटा से काम चल जाएगा, इसी जोन में रहेगा, ठीक है ना। However, this is not suitable to conduct titration. Not suitable to conduct titration. And this is where back titration comes into picture. ठीक है, ऐसे scenarios में हम back titration को use करते हैं। Back titration becomes a more explicit way. यानी ये जहां पर भी हम not suitable लिख रहे हैं ना, ऐसा scenario अगर बनता है तभी हम back titration को use करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ एक और केसेस हैं जिनको कि हमको करना है। मल्टीस्टेज titrations इसमें एक कैटेगरी जो है वो है titrating treating diprotic acid with strong base. ये क्या है हमारा टाइट्रेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन ब्यूरेट, और ये रहेगा हमारा एनालिट और टाइट्रेट नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड प्लस, ठीक है। Volume of
strong base, tight grab, and it pH of solution in flask. सेवन मार्क। देखो अब ये डाइप्रोटिक एसिड जो है अभी के लिए फिलहाल हम अस्यूम करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं अस्यूम करेंगे तो क्या होगा वेरिएशन, वो भी हम लोग देख लेंगे, बट अभी के लिए हम अस्यूम करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका वेरिएशन कैसे दिखेगा हमको, पहला वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, मे बी यहां से चालू होएगा एंड इट विल इनिशियली राइज, आई मीन इट विल राइज स्लोली ओनली, मे बी यहां तक आएगा, देन देयर विल बी अ शार्प कर्व विच वी विल सी, ठीक है। अब यहीं पर बीच में कहीं तो इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट बेस जो है बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे H2A है तो इसका कॉन्जुगेट बेस HA- पूरा यहां पर बन गया इक्विवेलेंस पॉइंट पर। इसका नेचर कैसा होगा, विल इट बी हाइड्रोलाइजेबल, HA-, यस और नो, दो स्ट्रॉन्ग एसिड का है H2SO4 का, HSO4- ये हाइड्रोलाइज होकर के H2SO4 बनाएगा, नहीं ना, कैसे बनाएगा, ठीक है, नहीं बनाएगा, तो ये बैक हाइड्रोलाइसिस की नहीं होती, ठीक है, ये अभी भी काइंड ऑफ वीक एसिड की तरह खाली बिहेव करते रहता है, बट अभी भी ये बैक नहीं आ सकता है, इसकी टेंडेंसी नहीं होगी कि बैक आ पाए, ठीक है। तो यहां से हमको कुछ इस तरह का बिहेवियर मिलेगा, ठीक है, और फिर से ये सेकेंड टाइट्रेशन की तरफ जाएगा। अब यहां पर जब ये इस तरफ उड़ रहा होगा ना, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा ये वाला वीक एसिड का पोर्शन है ना, तो थोड़ा हमें उस तरह का दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट इसका हमारा कहीं यहां पे आएगा, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट, दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मिड ऑफ दिस लाइन, ये पॉइंट पर एग्जैक्टली सिनेरियो क्या होगा वो सब, ठीक है, और दिस विल बी अ प्लेस जहां पर हमारा ये वाला और इसका कॉन्जुगेट बेस A2- ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, इज दैट ओके। सो बेसिकली एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, दैट मींस दैट इज अ बफर सिनेरियो, परफेक्ट बफर सिनेरियो। और यहां पर क्या होगा, दिस इज नथिंग बट ये सेकेंड पीकेए जो होता है
pKa2, ठीक है ना, उसके बराबर का पीएच होगा यहां पर वीक एसिड, और उसके कॉन्जुगेट बेस की क्वांटिटी अगर बराबर हो जाती है तो दैट विल बी अ बफर सिनेरियो, जहां पर एसिड और उसके सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो गया, एंड एट दैट सिनेरियो पीएच इज गोइंग टू बी इक्वल टू पीके ए, एंड दिस पीके ए करस्पॉन्ड्स टू पीके ए टू ऑफ दिस एसिड. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो ये वैल्यू जो होगा, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट वन, एंड पीएच इज इक्वल टू पीके ए टू. ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट. And this point is referred as second equivalence point. Hello, Atharv Deshpande. हाँ सर. ये बात समझ में आई पूरी? हाँ सर, आई. Okay, good. सर बट नोट कर रहा हूँ, सॉरी. हाँ नोट करो. मैं नोट करने से मना तो नहीं कर रहा. क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है. अब अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग ना लेकर के वीक लूंगा तो वेयर आई एम गोइंग टू मेक अ चेंज? हाँ, डाइप्रोटिक एसिड अगर मैंने वीक ले लिया तो व्हाट चेंजेस विल आई इनकॉर्पोरेट इनटू द सिस्टम और इन द ग्राफ? फर्स्ट का ये जो नीचे वाला ग्राफ है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्लाइटली अपवर्ड, ठीक है, और पहला इक्विवेलेंस पॉइंट जो 7 के नीचे आ रहा है मेरा, दैट विल नॉट बी हियर, ये 7 के ऊपर चला जाएगा, राइट ना, बेसिक में चला जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? गुड एनफ. अच्छा एक चीज और, ये 7 वाला पॉइंट जो है ना, इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूं for some technical reasons. Then, वैसे जरूरी नहीं है. देखो H2SO4 के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट जो था मेरा 7 के नीचे, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, ये फर्स्ट मिड पॉइंट जो है ना, मिड पॉइंट 7 के नीचे, दैट इज परफेक्टली फाइन, H2SO4 के लिए सही है, कोई इशू नहीं. यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं ना, तो उसका सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो भी 10^-7 से बड़ा ही होता है इन जनरल, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट H3PO4, माइंड इट, दैट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, या H2CO3, दैट इज ऑल्सो नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड. वी आर टॉकिंग अबाउट H2SO4, थोड़ा सा H2SO3 भी हो सकता है रहेगा, बट H2SO4 या H2SO3 इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. क्लियर है? और अगर मैं H2SO4 के बदले कार्बनिक एसिड वगैरह लेता हूं, तो ये ग्राफ यहां से ना स्टार्ट होकर के लगभग यहां से स्टार्ट होएगा, एक तो यहां से स्टार्ट होएगा और दूसरा ये इस तरह का ग्राफ जाएगा.
यहाँ पर, और ये मिड पॉइंट वन रहेगा, और यहाँ पर पहला इक्विवेलेंस पॉइंट कुछ तो आएगा, ठीक है, दैट इज द ओनली अल्टरेशन विच इज गोइंग टू हैपन। सेवन एंड अबव में उसका पीएच लाई करेगा, हाँ वी, हाँ एक्चुअली प्रोपोर्शनेटली नहीं ड्रॉ किया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये वाला पॉइंट मेरा सेवन के ऊपर रहना चाहिए, इसके लिए सेवन को नीचे ले लिया। टिपिकली अगर H2CO3 का हम NaOH वगैरह के साथ अगर कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है, ये pH is equal to approximately 8.35 पर आता है, ठीक है। मिड पॉइंट जो होता है दैट हैपेंस एट pH is equal to 10.3, एंड ये जो आता है दैट हैपेंस एट pH is equal to 11.8 H2CO3 versus NaOH, ये H2CO3 versus NaOH का ग्राफ, ठीक है, ये नंबर उसी के हिसाब से मैं दे रहा हूं, कैलकुलेट ही कर सकते हो आप लोग। और ये टिपिकली हमारा H2SO4 वर्सेस NaOH का ग्राफ रहेगा। ट्राई प्रोटिक अगर हम लोग लेते हैं तो कैसा रहेगा, ग्राफ्स कैसे दिखेंगे, ट्राई प्रोटिक, हाँ एक ग्राफ मतलब खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, इट विल बी अ गुड आइडिया। सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे खुद से डाइप्रोटिक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ volume of strong base that is dihydroxyacid pH of solution in flask. So, अभी बस हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर हमारा वीक एसिड वीक डाइप्रोटिक एसिड है तो देयर विल बी अ मिड पॉइंट इन दिस
first half of the curve also, ठीक है, and it will correspond to pKa1, क्योंकि यहां पर बफर हमारा क्रिएट हो रहा है, एक बफर सॉल्यूशन जहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स कंजुगेट आयंस आर एग्जैक्टली इक्वल, और वहां पर pH जो है दैट विल बिकम इक्वल टू pKa1, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम और फर्दर डालते हैं, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा जहां पर वी आर जनरेटिंग एन एम्फोट्रिक आयन ऑफ अ वीक एसिड, वीक डाइप्रोटिक एसिड, फर्स्ट एम्फोट्रिक अनायन, ठीक है, एंड वहां पर पीएच जो होगा pKa1 प्लस pKa2 बाई 2 हो जाएगा। इसके आगे चलेंगे तो सेकेंड मिड पॉइंट हमको मिलेगा, सेकेंड मिड पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू pKa2, क्योंकि यहां पर फिर से हमारा एक बफर सॉल्यूशन बनेगा बिटवीन फर्स्ट एम्फोट्रिक आयन एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और फिर फाइनली यहां पर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा हमको, दैट विल ये जो वैल्यू आएगी पीएच की दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सेकेंड अनायन। तो उसको कैलकुलेट करके नहीं लिखता है क्योंकि वो कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट रहेगा, ये जनरली 0.1 मोलर H2CO3 के लिए, ठीक है। ये वैल्यू जो कैलकुलेट किया हुआ है ये 0.1 मोलर H2CO3 के लिए किया हुआ है, इज दैट ओके। अब हम लोग आते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड पर। ट्राइप्रोटिक एसिड जो है इसका कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर अगर हम लेते हैं, H3PO4 का केस एक्चुअली हम लोग ले रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट लेग में इट विल बी समवॉट लाइक दिस, H3PO4 है डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, यहां पर पहला मिड पॉइंट, फिर पहला इक्विवेलेंस पॉइंट, दूसरा मिड पॉइंट, दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट, तीसरा मिड पॉइंट एंड तीसरा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट वन क्या होगा, मिड पॉइंट वन यहां पर पीएच इज इक्वल टू pKa1, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट वन इस पर क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 बाई 2, ये होगा मेरा सेकेंड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट टू, pH is equal to pKa2 equivalence point 2, pH is equal to pKa2 plus pKa3 by 2. This is midpoint 3, midpoint 3, and here we have pH is equal to pKa3. Equivalence point 3 implies pH is equal to
सॉरी, ये इसका पीएच ऐसे डिफाइंड नहीं होएगा, ये फिर हाइड्रोलिसिस से हमारा आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट 3 जो होगा दैट विल कम फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। आप बोलिए, 1 मोलर ऑफ H3PO4, इसका PKa1 जो होता है, PKa1 इज इक्वल टू 2.15, PKa2 इज इक्वल टू 7.2 एंड PKa3 इज इक्वल टू 12.15। स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड नहीं होते ना? क्या क्या स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड नहीं होते ना? वो वीक होते ना ट्राइप्रोटिक एसिड ज्यादातर। ट्राइप्रोटिक वाला कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब पॉलीप्रोटिक वाले सारे वीक होते हैं, ठीक है ना? हाँ, नोट कर लो। एक और अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये करते रहना, मतलब टाइम देखते रहना, मैं तो देख रहा हूँ, बट आई हैव टू लीव एट 4:45, 4:56 की ट्रेन पकड़नी है, या 4:50 तक भी आपको बंद करके निकलना है। हाँ नहीं, 6 बजे तक नहीं है अभी। हो गया नोट? गुड। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अ वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? पेज नंबर 2CO3 versus HCl,
ठीक है, कैसा दिखेगा? Na2CO3 है क्या? इसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट। हाँ, बट इक्विवेलेंट ये किस चीज के है? अगर मुझे एक इक्विवेलेंट सॉल्यूशन कुछ देखना हो इसको, तो मैं इसको कैटेगरी में रखूंगा क्या? बेसिक में होगा ये, बेसिक में होगा। हाँ, Na2CO3 विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन राइट नाउ, इट विल बी डाई एसिडिक बेस और वीक डाई एसिडिक बेस राइट, डाई प्रोटिक एसिड जैसे था वीक वाला, वैसे ही ये क्या है? सॉरी, डाई एसिडिक बेस, वीक डाई एसिडिक बेस। ठीक है, टाइट्रेशन को ड्रॉ करिए, एक्सपेक्टेड कर लेंगे हम लोग। अथर्व देश पांडे, देश पांडे, देश पांडे, ओबे गायब हो गया। लड़का मुझे कर रहा है। Now my point was very simple, Na2CO3 को हम किस तरह की species called करेंगे, बोलेंगे? Definitely it is a salt, no doubt it is a salt, but इसका nature कैसा होगा? Acidic होगा, basic होगा? Is it a basic salt or acidic salt? Salt के time पर ऐसा discussion किया था हम लोगों ने क्या? What is acidic salt? What is basic salt? किया था ना सर? बेसिक सॉल्ट होगा ना? हाँ, ये बेसिक सॉल्ट होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट अगर है, यानी इट इज काइंड ऑफ अ वीक, आई मीन इट इज अ काइंड ऑफ बेस, बेसिक सॉल्ट बोले हम, या फिर इसको डायरेक्टली बेस बोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसका नेचर कैसा होगा? विल इट बी अ स्ट्रॉन्ग, विल इट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस? बेसिक सॉल्ट कैसा बेस की तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह या वीक बेस की तरह? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे करेगा? ये बेस किसकी वजह से बन रहा है? ये अनायन की हाइड्रोलिसिस की वजह से, राइट ना? इज दिस ओके? Yes or no? है ना? तो अगर ये बेस बन रहा है किसकी वजह से? इस आयन के, इस अनायन के हाइड्रोलिसिस की वजह से, इट हैज टू बी अ रिलेटिवली वीक बेस। दूसरी चीज क्या है? विल इट बी अ मोनोप्रोटिक बेस और डाइप्रोटिक बेस, सॉरी मोनो एसिडिक बेस और डाई एसिडिक बेस? इट विल बिहेव एज अ मोनो एसिडिक और डाई एसिडिक? मतलब एक ओ एच माइनस देगा या दो ओ एच माइनस देगा? सो टू टू, सो दिस इज अ डाई एसिडिक, डाई एसिडिक बेस, वीक बेस। सो अगर ये हमको दिया हुआ है टाइट्रेशन के लिए वर्सेस HCl, तो व्हाट डज दिस मीन ओवरऑल? We are titrating a diacidic base versus HCl. ठीक है, पहले हमने क्या किया था? डाई बेसिक एसिड या डाई प्रोटिक एसिड को बेस के अगेंस्ट किया था, अभी हम डाई एसिडिक बेस को एसिड के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो हमारा पीएच कर्व कैसा आना चाहिए? कैन यू प्रिडिक्ट?
फटाफट प्रिडिक्ट कर पाओगे? देश पांडे क्या सर? क्या सर मतलब अभी तक कहाँ थे? सर आपने बोला कुछ प्रिडिक्ट करने और फिर हाँ मेरा नाम क्या प्रिडिक्ट करने के लिए बोला? सर वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैंने बोला कि इसका टाइट्रेशन कर्व कैसा होगा, डाई एसिडिक बेस वीक बेस का टाइट्रेशन अगेंस्ट HCl का टाइट्रेशन कर्व कैसा दिखेगा? कैन यू प्लॉट दैट? यस सर। डाइप्रोटिक वीक एसिड का अगेंस्ट वीक बेस हमने प्लॉट किया था पिछले वाले में, पहला वाला ग्राफ। हाँ ठीक है ना। अभी मैं आपको रिवर्स केस बोल रहा हूँ प्लॉट करने के लिए, कैन यू प्लॉट और नॉट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। एंड दैट टू क्विकली, क्योंकि डिस्कनेक्ट होकर के आप 15 मिनट ऑलरेडी पीछे हो। अच्छा चलो, पहली चीज ये बताओ कि ये ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? नीचे से होगा, ऊपर से होगा? यानी पीएच 0 के आसपास में रहेगा या पीएच 14 के आसपास में रहेगा? क्या हुआ देश पांडे? थोड़ी एक सेकेंड। अच्छा तब तक आप लोग, बाकी लोग जो है ना वो बोरिक एसिड वर्सेस, बोरिक एसिड इज H3BO3, ठीक है, दैट वर्सेस एनी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करिए। तो H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड, इसका pKa जो होता है दैट इज इक्वल टू 9.3, और इसको वर्सेस NaOH आपको ड्रॉ करना है। सर ये वाले का ऊपर से होगा क्या? ठीक है, ऊपर से होगा मान लिया, गुड। ग्राफ आपको फोटो भेजा था। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? क्या क्या सेकंड क्वेश्चन ये है, हाइड्रोबोरिक एसिड एंड NaOH का। हाँ एक ही है, हाइड्रोबोरिक एसिड इज अ मोनो बेसिक एसिड, एकदम शुरू में ये ज्ञान दिया था। आई होप हम लोगों ने खाया पिया ना हो उसका, वो इंफॉर्मेशन को। हाँ बोलिए। नहीं ये अलग है, इसकी राम कहानी अलग है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें ये OH माइनस एक्सेप्ट करता है हाइड्रोबोरिक एसिड, बी OH OH एंड OH, और एक वैकेंट ऑर्बिटल इसमें भी OH माइनस का ये वाला लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। दैट इज हाउ इट इज एसिडिक एंड इट इज मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, ये प्रोटिक एसिड नहीं होता है, रिमेंबर।
ठीक है, ये इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, एक मिड पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकेंड मिड पॉइंट, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, इज दैट ओके? यस सर। देखो अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, H2CO3 का pKa1 मान लो है कितना होता है, कुछ आइडिया है, याद है आप लोगों को H2CO3 का? सर जो लिखा हुआ है मेरे पास, मैं क्या याद दिला रहा हूँ, इट 6.4 और Ka2 जो है pKa2 That is equal to 10.3, ठीक है? आप लोगों को मिड पॉइंट 1, इक्विवेलेंस पॉइंट 1, मिड पॉइंट 2, इन तीनों का पीएच वैल्यू ढूंढना है। एक मिड पॉइंट 1, इक्विवेलेंट पॉइंट 1, मिड पॉइंट 2, और इन तीनों के लिए ही कंसेंट्रेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए ये दे रहा हूं, ठीक है ना? Yes, चलिए फिर कल ढूंढ के लाइएगा, अभी रहने दीजिए, ये एक्सरसाइज घर पे करेंगे तो, अरे मुझे भी पता है हो जाएगा, तभी तो क्वेश्चन दिया है, नहीं तो देखता ही क्यों, रिसर्च थोड़ी कराना है, अभी नहीं कराना है, बाद में कराऊंगा। कौन सा? कार्बोनिक एसिड, प्रोटिक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, इट इज कार्बोनिक एसिड, हाँ इसमें एच प्लस बाहर निकलता है, कार्बोनेट आयन इसी से बनता है। हमारे क्वेश्चन कभी कभी इतने बच्चे वाले होते हैं ना, क्यूट से, पर ठीक है, नेवरदलेस इट्स गुड। और H2CO3 तो अभी पी ब्लॉक पढ़ाया होगा सर ने, तब भी डिस्कस किया होगा ना, याद करना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा उसको, यू गाइस डोंट हैव एन ऑप्शन। बार बार याद कर, देखो बार बार पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा उसको, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। क्या हुआ? H3PO3 परफेक्ट परफेक्ट, इतना टेढ़ा अचानक से नहीं जाएगा, वो वैसा जाएगा, हाँ क्या क्या बढ़ा दिया तो, मतलब ये कैसी बात है, मतलब नहीं समझा,
इनिशियली देयर इज अ सार प्राइस, ठीक है, देन दिस थिंग कम्स, दिस पोर्शन विल कम. मतलब जनरली बेस में, सॉरी एसिड में कैसा होगा कि डिसोसिएशन जो होगा आपका, अगर वीक एसिड है, इट विल टेक प्लेस लाइक दिस, ठीक है, और ये कर्व आएगा. तो ये भी कर्व यहां पर आ रहा है, बट यहां वाला पोर्शन जो है आपका ना, दिस विल बी वेरी शार्प एंड क्लोज टू दिस लाइन. दिस इज बिकॉज ऑफ इट इज अ एसिड नॉट बाय डिसोसिएशन ऑफ एच प्लस, रादर बाय एक्सेप्टेंस ऑफ ओएच माइनस. ठीक है ना. सो इसकी वजह से BOH का ऐसा हो, H3BO3 का ऐसा होता है. क्लियर है? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट थिंग आज के लिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थियोरी ऑफ इंडिकेटर्स एंड देन आई विल गेट इनटू KSP. सर आपकी ट्रेन का टाइम होने वाला है ना अभी? नहीं नहीं वो 5:56 का ट्रेन है. आई लीव एट 4:45 फ्रॉम हियर. ये भी पास में ही है, जैसे गोरेगांव वाला स्टेशन के बाजू में है वैसे ही ये भी है. उतना नहीं बट आप भी पास ही है. हाँ आपके जिम्मा एक काम रहेगा, हर्षिता नथर बंद करके चाबी को देना होगा, वहीं पे दे के आना, ठीक है, उसके पास आज उसको दे नहीं पाऊंगा. नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो फिर इसकी कॉपी कराऊंगा. सी सबसे पहली चीज, इंडिकेटर्स होते क्या है? इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स. सर हाँ सर, आपने ये जो इंडिकेटर्स का मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, हाँ वो आप वापस पढ़ाओगे ना? नहीं एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो फिर से बोलो सर. 11th मतलब स्टार्टिंग में जो एसिड और बेस कलर डाई, ठीक है, दीज इंडिकेटर्स have some specific colors for their neutral molecules and some other color for their neutral molecules and some other color for their
some other color for their conjugate ions. Conjugate ions. ठीक है, सो बेसिकली होता है क्या है, जैसे अगर मान लो ये एसिड है, इंडिकेटर एसिडिक इंडिकेटर है या एसिड है ये, तो एच आई एन हम बोलेंगे, बोलते हैं इसको, ठीक है। और मान लो अगर बेस है ये, तो सिंपली इसको आई एन माइनस बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब ये इसका कुछ एक कलर होता है, कलर वन, ठीक है, और आई एन माइनस का कलर जो होगा वो कलर टू रहेगा, ठीक है। और चूंकि ये वीक एसिड बेस है, तो देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सॉर्ट विच विल बी associated with it always, ठीक है। इसके equilibrium constant को KIN बोलते हैं, ठीक है, and corresponding value जो होती है PKIN होती है, ओके। अब पॉइंट क्या है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, हाई क्वांटिटी ऑफ एसिड है, H प्लस आयन है, तो दिस बीइंग अ वीक बेस, सॉरी वीक एसिड, इट कैन नॉट डिसोसिएट, ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, एच आई एन फॉर्म में रहेगा, एंड इट्स कलर विल बी कलर वन, ठीक है, सॉल्यूशन कलर वन का दिखेगा अगर ये डाल के रखा है मैंने तो। द मोमेंट मेरा सिस्टम न्यूट्रल या बेसिक होता है, तो एच प्लस आयन का कमी हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन्स, एंड देन दिस एंटिटी मे डिसोसिएट बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। The moment this will dissociate by a significant amount in order to produce H plus, basic हो गया है, तो इसका H plus combine कर करके वो H minus के साथ जाता रहेगा, और equilibrium जो होगा वो right side में आ जाएगा, and then the dominant color of the solution will become color 2. ये point clear है, this is how indicators work. Okay, again. अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है, तो ये एच आई एन जो है, दिस विल नॉट गेट डिसोसिएटेड मच। अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो द एच आई एन द इंडिकेटर विल नॉट गेट डिसोसिएटेड मच, एंड देयरफॉर इफ आई एम पुटिंग दैट इंडिकेटर इन अ एसिडिक सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द इंटायर सॉल्यूशन विल हैपन टू बी द कलर ऑफ HIN, that is color one, ठीक है। अब किसी रीजन से हम उसमें बेस ऐड करते हैं, मेरा पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया और सिस्टम बेसिक हो गया, यानी सॉल्यूशन बेसिक हो गया, तो ये इंडिकेटर जो होगा वो हाईली डिसोसिएट कर जाएगा, तो कंपनसेट द H प्लस विच हैज गॉट रिड्यूस्ड इन द सिस्टम,
and therefore a equilibrium will be established where most of the HIN will have or could have dissociated into IN minus form. Okay. And the moment most of it becomes IN minus, HIN gets transformed into IN minus, the color of solution will immediately change to color 2. ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो एच आई एन फॉर्म में कलरलेस होंगे और आई एन माइनस फॉर्म में कलरफुल हो जाएंगे, या वाइस वर्सा, इधर कलरफुल होंगे इस फॉर्म में कलरलेस हो जाएंगे. कलर डिसअपीयर्स, दैट शोज बेसिक सॉल्यूशन और एंड पॉइंट. मेकिंग सेंस? दैट इज हाउ इट वर्क्स. इज दिस थिंग क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब अच्छा, लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स तो तभी मैंने आप लोग को लिखवा दिया था. लिस्ट उसी को हम लोग रेफर करेंगे, दैट सेम लिस्ट व्हिच आई हैव गिवन टू यू गाइस. वही लिस्ट मेरे पास भी, मतलब इसी में से लिखवाया ही था, तो कहीं और से लिखवाया नहीं था. उसको मैं एक बार कॉपी कर लूंगा, बट फॉर द टाइम भी मुझे दूसरी चीज बतानी है यहाँ पर. ओके, इस एक्सप्रेशन, इस चीज का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ. KIN is equal to concentration of IN minus ये H3O plus रहेगा, ठीक है, divided by concentration of HIN. further
सो अगर ये वाला स्पीसीज डोमिनेंट है तो हमको कलर टू मिलेगा, और ये डोमिनेंट है तो कलर वन मिलेगा। जनरली ट्रांजिशनल कलर जो होता है वो 50-50% पर मिलेगा इक्वल अमाउंट पर, यानी पीएच जब पीके आईएन के बराबर रहेगा दैट इज वेयर यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज द कलर गोइंग टुवर्ड्स एनी वन साइड विल मेक इट डोमिनेंट, ठीक है ना। जनरली जो होता है ये रेशियो अगर 10:1 या 1:10 के रेशियो में रहता है, 10:1 या 1:10, 1:10 अगर है इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 यूनिट है ये 1 यूनिट है, इनिशियली ये कितना था 11 यूनिट था, ठीक है। एक डिसोसिएट हुआ तो एक डिसोसिएट हुआ मतलब 10% डिसोसिएशन लगभग बोल सकते हैं ऐसा, या फिर 90% डिसोसिएशन अप टू मतलब 10% या 90%, ठीक है। ये अगर 10:1 होता है तो पीएच क्या हो जाएगा, पीके प्लस वन, पीके आईएन प्लस वन, ठीक है। और ये 1/10 अगर होता है तो ये क्या पीएच क्या हो जाएगा, पीके आईएन माइनस वन, ठीक है। तो कोई भी इंडिकेटर जो होता है पीके आईएन के प्लस वन एंड माइनस वन में बेस्ट इंडिकेटर के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। द रेंज ऑफ ऑपरेशन इज पीके आईएन प्लस माइनस वन, लोगों ध्यान होगा रेंज लिखवाया पीके आईएन लिखवाया था मैंने उस समय टेबल में, एंड देन उसका रेंज लिखवाया था, ठीक है। वो उसी के बेसिस पर ये 10:1 का रेशियो जो है एवरेज लेकर के कैलकुलेट किया गया है। हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस यू मे बी आस्क्ड कि मतलब ऐसे भी हो सकता है इसको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर में कि 75% डिसोसिएशन एंड 25% डिसोसिएशन पर वो डिस्टिंक्टिव कलर चेंज कर लेता है, तो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ ऑपरेशन ऑफ दैट इंडिकेटर, आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट। 25% एंड 75% डिसोसिएशन पर डिस्टिंक्टिव कलर दे दिया, तो 25% डिसोसिएशन जब है इसका मतलब क्या हुआ, आई एन 25 एंड ये 75, 1:3 का रेशियो, और 75% डिसोसिएशन पर 3:1 का रेशियो, तो पीएच रेंज क्या हो जाएगा, पीके आई एन प्लस log 3 एंड माइनस log 3, तो log 3 जो होता है 0.477, ठीक है। तो पीके आई एन प्लस 0.477 एंड पीके आई एन माइनस 0.477, ये बात क्लियर हो गई अथर्व देश पांडे? यस सर। ओके, सो इसको हम लोग लिख कैसे कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ concentration of In minus and HIN for distinctive color change, एक कलर से दूसरे कलर, ठीक है, इज जनरली टेकन एज टेन इज टू वन, दैट इज 90% डिसोसिएशन of HIN sorry इसको 1:10 कर, एक सेकेंड, दैट इज 10% डिसोसिएशन, approximately 10% डिसोसिएशन ऑफ HIN
10:1, that is 90, close to 90% dissociation of HIN. The pH range would thus be PKIN -1 to PKIN +1, in which our indicator will work efficiently. Yes, standard. क्या क्या कलर चेंज नहीं दिखेगा तुमको? हाँ, वो वाले पीएच पे इट वोंट वर्क. ठीक है, सो बेसिकली ये है कि इक्विवेलेंस पॉइंट अगर मेरा इस रेंज में है, जैसे पीकेआईएन 5 है, तो 4 से लेके 6 में अगर जो इक्विवेलेंस पॉइंट जिसका रहेगा, जिस आइडिएशन का, उसके लिए ही ये इंडिकेटर काम करेगा, ये वाला पर्टिकुलर इंडिकेटर. जिसका PKIN 8 है, वो 7 से लेकर के 9 वाले सॉल्यूशंस जिनका इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से 9 के बीच में है, उनके लिए वो गुड इंडिकेटर का काम करेगा. इज दैट ओके? देखो, जिस सॉल्यूशन का या जिस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से 9 के बीच में है, लाई कर रहा है, उस टाइट्रेशन के लिए मेरा एक इंडिकेटर जिसका PKIN 8 है, दैट विल बी अ सुटेबल इंडिकेटर. ठीक है, क्योंकि उसका रेंज 7 से 9 का है. उस बीच में जिसका जिसका इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से 9, जिसका 7.5 है या 8.5 है, उन सबके लिए ये गुड इंडिकेटर का काम करेगा या सुटेबल इंडिकेटर का काम करेगा. ठीक है, ठीक है. आई थिंक आई शुड हॉल्ट हियर. कितना हो गया? 45 हो गया ना. हाँ, तो ये पीएच रेंज का मतलब वही है ना, और यहाँ पे H3O प्लस का कंसेंट्रेशन ही तो है ना. हाँ, ये यही तो डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, नोट इट डाउन एंड विल क्लोज ओवर हियर.